सुरों की देवी हमेशा के लिए जुदा हो गईं। लता मंगेशकर के इंतकाल से बरसगीर की मौसीकी का एक अहद लाजवाल इख्तिताम पर पहुंचा। बरसगीर की कोयल लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर में पैदा हुई। उनके वालिद अपने वक्त के नामवर मौसीकार और कलाकार थे। लता का बचपन ही से सुर और संगीत से ताल्लुक रहा और अपनी मेहनत और दिलचस्पी के बायस देखते ही देखते वो बरसगीर की मौसीकी के उफक पर चांद के मानिंद चमकने लगी। लता मंगेशकर ने 6 फरवरी 2022 को आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल की खबर पर सरहद के दोनों पार करोड़ों मदा सोग और गम में डूब गए, जबकि उनकी लाजवाल खिदमात को जबरदस्त खिराज तहसीन भी पेश किया गया। उनका करियर तकरीबन 8 दहाइयों पर मुश्तमल रहा और वो बॉलीवुड प्लेबैक गायकी के लिए वन एंड ओनली बनी रही। उनके क्रेडिट पर हजारों ऐसे दिलकश गीत हैं जो आज भी कानों में रस घोलते हैं और हमेशा फिजाओं में गूंजते रहेंगे। बेपनाह शोहरत, करोड़ों लोगों की मोहब्बत, प्यार और पसंदीदगी पाने के बावजूद लता मंगेशकर हमेशा सादा जिंदगी बसर करना पसंद करती थी और आखिर तक सादा खाना और पहनना पसंद किया। बुलबुल हिंद लता मंगेशकर को कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से 9 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहाँ वो तादम मरग जेर इलाज रही। करोड़ों दुखी दिलों पर अपनी आवाज के जरिए मरहम रखने वाली लता मंगेशकर आज हम में नहीं रही, पर उनके गाए हुए गीत हमेशा फिजाओं में गूंजते रहेंगे।